जी तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम ऊपर आ गए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ना ये चेक करवा देता हूँ, इसका ब्लोअर जो तकरीबन 4 फुट है और 24 इंच होगा मैक्सिमम। इसको इन्होंने 20 हॉर्स पावर की मोटर लगाई है, हालांकि इसको 5 भी होती तो चलता था काम। चिमनी की हाइट देख लें जी, 15 फुट होगी मैक्सिमम। तो आग थोड़े दिन पहले लगाई है, को 5 दिन पहले, तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना 15 लाइनें जो है ना उसकी पकाई हुई है, मगर इन्होंने अभी से ना ईंट निकाल के देखी है, उधर ईंट पड़ी है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये ईंट है जी, ईंट का कलर तो बढ़िया है, वायर कट मशीन से बनाई जाती है, इसमें होल्स होते हैं, तो बेहतरीन ईंट बनी है। अच्छा, इसमें ऐसे है जी, इस भट्ठे का ये देख लें, 100 फुट इसकी लेंथ है, ये 100 फुट इधर है, इसे 100 फुट लेंथ है, ये उधर से घूम के, ऐसे मैं आपको बताता हूँ, उधर से घूम के आएगा जी, इधर को घूम के इधर आ जाएगा, तो ये है जी 100 और 100, 200 फुट कुल होगी लेंथ, 2 लाख इसमें ईंट डलती है। तो ये सेंटर में इसकी मेन लाइन है, इसको ये समझ लें हमारा जो सिस्टम होता है चाबी का सिस्टम होता है, इन्होंने इधर वाल्व लगा दिए हैं, ये चेक कर लें जी, इसकी मदद से ना, इन वाल्व की मदद से इसको खोला जाता है हैंडल की मदद से, तो इधर से इसका निज़ाम है, ये सारी मेन लाइन ही है जी, जो नीचे से तकरीबन 4 फुट बंद है, उसके बाद नालियों के ज़रिए जो है ना इधर कनेक्शन किया गया है, और ये वाल्व जो है ना इधर इधर से जा रहा है जी उधर को धुआं, वो चेक कर लें जी, ज़बरदस्त बढ़िया काम है जी, ये चेक कर लें, ये इसकी साइड चेक कर लें, काफ़ी हाइटेड है जी, 20 फुट मेरे ख्याल में बता रहे थे इसकी हाइट है, और 10 फुट इधर से ये चौड़ाई है इसकी, और एक जो लाइन इसको बोल लें इसमें 3500 ईंट आती है, और कुल जो इस किलर में है ना वो तकरीबन आती है जी 2 लाख ईंट, जो 10 दिन में जो पकाई इसकी हो जाती है, यानी कि 20,000 की एवरेज से ये पकाई हो सकती है। तो ऊपर से ये आर्च बना के बिल्कुल इसको एक डाड़ जिसको बोला जाता है, डाड़ लगाई गई है, डाड़ की जो निचली ईंट है ना वो उसको आतशी ईंट जो बोला जाता है, वो काफ़ी महंगी होती है, आजकल तो तकरीबन 150 के लगभग होगी उसकी ईंट का रेट, जो कि तकरीबन 2000 के लगभग जो है ना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है। इसकी जो पहली लेयर है ना जी डाट की, वो लगाई गई है, उसके बाद मेरे ख्याल में 2 लेयर्स और हैं, उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डाल के इसको ऊपर से सीमेंटेड कर दिया गया है, ऊपर भी इसकी ईंट लगी है, साइड पर परनाले लगा दिए गए हैं ताकि बारिश में पानी जो है ना पानी की निकासी हो सके। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ उधर से जी, आग भी ये देख लें जी, 1970-80 हो गया, इतना टेम्परेचर है जी, 980 के राउंड, 980 ठीक हो गया जी, 980। अच्छा, इसमें तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इसका जो ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, पांव तक क्लियर, बिल्कुल ऐसे ही है जी, ज़बरदस्त हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।